कीजिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एक वर्टिकल लाइन, बिल्कुल 90 गजा हुआ बनाता हुआ। जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो जिस नुक्ते पर ये काटते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम नाम देंगे एक्स एक्स डैश, ठीक है, एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, और ये वाई वाई डैश। तो जब ये दोनों काटते हैं तो इससे जो प्लेन बनता है उसको हम कहते हैं कार्टिशियन प्लेन या कार्टेशियन मस्तवी, ठीक है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों का हम नाम देते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है रूप, रूप का मतलब होता है वन फोर्थ, ठीक है। तो दोबारा बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन, जब ये दोनों एक दूसरे को जाइमर परपेंडिकुलर एक दूसरे को जब काटते हैं तो इसे एक प्लेन बनता है, इसको प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन मस्तवी। इसके चार हिस्से बनते हैं, इस पहले वाले को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, बात क्लियर। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे, बात क्लियर। ये देखें, इसको ज़रा नाम देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, ये x की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये y की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, ये -1, -2 वगैरह, ठीक है। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है कि पी एक्स वाई होता है, यानी यहाँ बिल्कुल आप यूँ समझे कि ये रो को शो कर रहे हैं, कॉलम को शो कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो फर्ज करिए यहाँ पर देखिए, ये सारा एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, वाई पॉजिटिव। एक पॉइंट को यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखें, थ्री या देखें, 1, 2, 3, 4, ये 4, ये 3, ये कौन सा नुक्ता है, ये नुक्ता है एक्स, एक्स की वैल्यू है 4, देख रहे हैं 4, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ये 4, 3 ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये पहला एक्स को शो करता है एक्स एक्सिस, और ये दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, और यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी पॉजिटिव, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिखते हैं, बस किताबों में आपको इस तरह मिलेगा, और इसी तरह वाई भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, बात समझ गए। ये तो कोई सा जनरल पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो ये एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल देखें, -3, ये देखें -2, -3, ये जो पॉइंट है क्या है, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू क्या है, +3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स भी निगेटिव, वाई भी, यानी एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी वैल्यू निगेटिव, वाई भी वैल्यू निगेटिव, जो ऑर्डर पेयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई, एक्स पॉजिटिव वाई, वाई निगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव होगा यहाँ पर, वाई क्या होगा, निगेटिव होगा, बात क्लियर। अच्छा जी, ये तो कार्टेशियन प्लेन के वाले से हम बात की, अब नए रूबी जावियों से क्या मरा दिए हमने देखना है, क्वाड्रेंटल एंगल से क्या मुराद है। ये देखिए, एक जाविये के दो बाजू होते हैं, एक ये, इसको इनिशियल बाजू कहते हैं, और ये टर्मिनल बाजू, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह देखें, अगर एक बाजू ये स्टैंडर्ड एंगल की हमने बात की, स्टैंडर्ड एंगल में क्या होता है, जो जो इनिशियल बाजू है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, पॉजिटिव एक्सिस, और इसका वर्टेक्स कहाँ पर, यहाँ पर। ये अगर यहाँ पर हो,
या फिर अब इसको पहले डिस्कस करते हैं यार, इससे पहले देखिए यहाँ से आता एंगल होता है 90, क्या होता है ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, ज़ीरो से ले 90 तक, फिर उसके बाद 90 से लेकर यहाँ तक जब आप आएंगे तो ये 180 एंगल बन जाएगा, क्या होगा पाई रेडियन या 180 डिग्री। यहाँ से जब आप इस तरफ आओगे तो ये क्या होगा 270 या 3 पाई बाई 2। फिर यहाँ से जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे तो ये क्या होगा 2 पाई या 360, ठीक है समझ गए। अब हम इसकी बात करते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या है। तो क्वाड्रेंटल एंगल से मुराद ये है कि एक ऐसा एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, स्टैंडर्ड पोजीशन से मुराद कि उसका वर्टेक्स यहाँ पर हो, उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो और उसका टर्मिनल आर्म वो इनमें से किसी एक के ऊपर है हो, किसी भी क्वाड्रेंट पर हो। मसलन ये एक एंगल हम ले रहे हैं, ये इसका इनिशियल आर्म यहाँ पर है, वर्टेक्स यहाँ पर, फाइनल आर्म किस पर, तो ये यहाँ से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या है 90। तो ये जो 90 एक तरह से ये क्या है क्वाड्रेंटल एंगल है, क्या है। दूसरा क्वाड्रेंटल एंगल कहाँ पर होगा, ठीक है ये इसका इनिशियल आर्म, इसका फाइनल आर्म इस तरफ हो, ये वाला विच इज 180। तीसरा कहाँ पर होगा ये 270 जिसका इनिशियल आर्म यहाँ पर है, टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो इन एंगल्स को कि जिसमें टर्मिनल आर्म कहाँ पर होता है जो एक्सिस के ऊपर हो, किस पर हो, एक्स एक्सिस पर ऊपर हो या वाई एक्सिस के ऊपर हो, उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब जीरो भी एक तरह से कहाँ पर है, इसका टर्मिनल आर्म भी यहाँ पर है, इनिशियल आर्म टर्मिनल दोनों यहाँ पर, तो ज़ीरो एंगल, ठीक है। 90 का क्या होता है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्सिस, टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस पर है। 180 क्या होता है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्सिस पर, टर्मिनल आर्म निगेटिव एक्सिस पर, तो ये 180, बात क्लियर। 270 भी एक टर्मिनल, 270 भी क्या है क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि वाई एक्सिस निगेटिव साइड में वाक़ है जिसका टर्मिनल आर्म। इसी तरह 360 भी, 360 में क्या होता है पूरा एक दायरा आप काटते हो तो दोबारा इनिशियल आर्म भी यहाँ पर था, एक चक्कर लगाने के बाद टर्मिनल आर्म भी यहाँ पर आ जाते, तो 360, समझ गए। तो तारीफ इसकी क्या होगी कि द एंगल विच लाइज अलॉन्ग द इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, द एंगल उस टर्मिनल आर्म लाइज द एंगल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म उस टर्मिनल आर्म लाइज इधर ऑन एक्स एक्सिस आर ऑन वाई एक्सिस। एक ऐसा जाविया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और जिसका टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट पर हो, यानी या वाई एक्सिस पर हो या एक्स एक्सिस पर हो, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो हमारे पास चंद फिक्स क्वाड्रेंटल एंगल है, 90 क्वाड्रेंटल एंगल है, 0 है, 180 है, 270 और 360 है। इसके अलावा भी जब आप रिपीट करते जाएंगे तो जो इसके को टर्मिनल होंगे वो भी क्या होंगे क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, सही है। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई बात। अच्छा अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो थ्योरी। अब आप पहला सवाल देख लें, सवाल ये कह रहा है कि इनमें से कौन से करीब तरीन रूबी जाविये जिनके दरमियान मंदरजेल जाविये हो,